This news is sponsored by Event Handle. Make your event memorable. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोर कमेटी के सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा पर भाजपा नेताओं को 1800 करोड़ रुपए देने के आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। सुनिए रणदीप सुरजेवाला का पूरा बयान। लगभग 30 मिनट पहले एक बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जामों का, एक महत्वपूर्ण न्यूज मैगजीन के द्वारा किया गया, कैरावैन के द्वारा, जिसे येदुरप्पा डायरीज के नाम से खबर और डायरी की प्रतिलिपि सामने आई। मैं आपको याद करवाऊं कि 14 फरवरी 2017 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी मंच से जेलबर्ड येदुरप्पा जी और स्वर्गवासी अनंत कुमार जी का एक वीडियो हमने रिलीज किया था और उस वीडियो में यह साफ था कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दी गई है और इस बारे में एक डायरी भी है। मैं उस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जो हमने रिलीज की थी 12 फरवरी 2017 में, के जो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एंड इट सेज अनंत कुमार, व्हेन इन पावर यू हैव ऑल्सो पेड मनी, I have also paid money. When did I say I have not paid? But not rupees 1000 crore. But one has to then tell how much has been paid. Yedurappa laughs. Then the last part of the conversation is very important. Anant Kumar, if you light a small spark, it will spread like wildfire. No one will believe that rupees 1000 crore has not been given. All will say it has been given. Yedurappa, let the diary come out. I read it again. Yedurappa, let the diary come out. Anant Kumar, yes. Until elections, they will have to keep answering. Let them do it. 14 फरवरी 2017 को यह वीडियो और इसकी ट्रांसक्रिप्ट हमने जारी की। 12 फरवरी की यह वीडियो है, 14 फरवरी को हमने यहां पत्रकार वार्ता की, आपके पास है वीडियो रिलीज की, आपके पास है ट्रांसक्रिप्ट जारी की, आपके पास है। 12 फरवरी 2017 को यह माना कि हाँ डायरी भी है और 1000 करोड़ रुपया भी दिया गया। ना अनंत कुमार जी से रिबटल आया, ना जेलबर्ड येदुरप्पा जी से रिबटल आया, और अब वो तथाकथित डायरी सार्वजनिक की गई है एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से। इस तथाकथित डायरी से 5 तथ्य सामने आते हैं। नंबर एक, 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया, 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब